चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर एक बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई। इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से आ रही है, जहां सामने आया बाल विवाह का मामला। चाइल्ड लाइन ने रोका बाल विवाह। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर एक बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद हुई प्रशासन ने कार्रवाई की। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें चाइल्ड लाइन काउंसलर दीपक शर्मा एवं गुलाबगंज थाना प्रभारी ASI रणवीर सिंह के द्वारा टीम गठित की गई। मौके पर पहुंचकर बालिका की मां से बात की। बालिका के पिता घर में छुपे हुए बैठे थे, तब बालिका की मां से बालिका के बारे में बात की और पूछा कि बालिका कहाँ है। तब बालिका की मां ने बताया कि बालिका अपने मामा के घर गई हुई है, जिस पर बालिका की मां ने झूठ बोला कि बालिका के मामा के घर गई है। बालिका की मां एवं परिजनों को बाल विवाह की शिकायत के बारे में पता चल गया था, इस कारण परिजनों ने बालिका को घर से छुपा दिया। बालिका का विवाह 2 दिसंबर को होने जा रहा था, तब टीम के द्वारा बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें बालिका की मां ने डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र बताया, जिसमें बालिका की उम्र 18 वर्षों से अधिक पाई गई। जिसके बाद बालिका की प्रथम पंजी की जांच की गई, जिसमें बालिका की उम्र 17 वर्ष 2 माह पाई गई, जिसमें बालिका नाबालिग पाई गई। जिसके बाद बालिका के परिजनों को बाल विवाह न करने के बारे में समझाइश दी गई, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया गया। बालिका की मां ने कम उम्र में बालिका का विवाह करना तय करना स्वीकार किया। बालिका की पढ़ाई रुकवा दी गई। बालिका को दल के द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया एवं बालिका को बाल कल्याण समिति के मौखिक आदेश पर बालिका को गुलमोहर में रखने के आदेश दिए गए हैं। नीतीश नामदेव की।